हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विक्की टेक्निकल में। दोस्तों आज का सवाल है कि हमारे जो सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं उनमें बेसिकली कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस तरीके से इसमें कूलिंग का प्रोसेस होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों हमारा जो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है वो बेसिकली हमारा बाइक में यूज किया जाता है। इसके कूलिंग के लिए इसके सिलेंडर हेड के ऊपर फिन्स लगे होते हैं। फिन से क्या होता है कि इसका जो ऊपर का एरिया होता है सिलेंडर का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो हमारी हीट होती है हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है। जैसे ही वो मूव करती है तो हमारे जो फिन्स होते हैं, फिन्स है ना, एयर के कॉन्टैक्ट में आने के कारण जो हमारी एयर आती है, जो सिलेंडर होता है ना बाइक का, वो सामने की ओर होता है, उसके थ्रू सामने से एयर आती है। एयर के कॉन्टैक्ट में आने के कारण उसकी हीट रिमूव हो जाती है फिन्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन का प्रोसेस। दोस्तों इस प्रकार से हुई कूलिंग को एयर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन की कूलिंग कैसे होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों जो हमारा मल्टी सिलेंडर इंजन होता है उसमें बेसिकली रेडिएटर, वाटर पंप, वाटर जैकेट और हमारा थर्मोस्टेट वाल्व, थर्मोस्टेट वाल्व एंड सक्शन फैन, ये बेसिकली हमारे ये कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे मल्टी सिलेंडर इंजन की कूलिंग की जाती है। चलिए दोस्तों जानते हैं पार्ट्स को क्या क्या वर्क होता है। दोस्तों बात करते हैं पहले रेडिएटर। रेडिएटर होता क्या है? रेडिएटर में हमारे एक तो अपर टैंक होता है, एक लोअर टैंक होता है। जो हमारा अपर टैंक होता है, अपर टैंक में हमारा हॉट यानी गर्म कूलेंट आता है। गर्म कूलेंट आने से उसके अंदर जो बारीक बारीक नलिकाएं नीचे की ओर मूव करता है। ठीक है, उसमें साइड में फिन्स लगे होते हैं। फिन्स लगे होते हैं उनसे हमारा जो हीटअप है हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है। ठीक है दोस्तों, उसके पीछे लगा होता है एक हमारा सक्शन फैन। सक्शन फैन का क्या काम होता है? जो हमारा सक्शन फैन होता है ना वो एयर को सक करता है यानी अपनी ओर खींचता है, जिससे जो हमारा रेडिएटर होता है, रेडिएटर से जो हमारी एयर है, एयर आती है। ज़्यादा एयर आने के कारण हमारा जो गर्म कूलेंट है, कूलेंट वो ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वो हमारा लोअर टैंक में चला जाता है ठंडा होने के बाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं पंप। जो हमारा वाटर पंप होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है? जो हमारा पंप होता है, पंप का जो काम होता है वो काम ये होता है कि जो उसमें जो प्रवाह है, जो उसके अंदर कूलेंट का प्रवाह है उसको कॉन्स्टेंट बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, ये काम होता है हमारा वाटर पंप का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम वाटर जैकेट। जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर 2, 4, 6 जितने भी आपकी गाड़ी में सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स के बाहर एक वाटर की जैकेट लगाई जाती है। हमारा कूलेंट या फिर वाटर का यूज़ किया जाता है। इंजन के अंदर जो हीट जनरेट हुई है उसको कम करने का काम बेसिकली कूलेंट का होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लगा होता है हमारा थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व का क्या काम होता है? सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो हमारा थर्मोस्टेट वाल्व होता है। और थर्मोस्टेट वाल्व होती है उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है इंजन का। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो थर्मोस्टेट वाल्व होती है तो वो उस टाइम बंद होती है। ठीक है, जैसे ही बंद होती है तो हमारा इंजन जैसे ही चलना स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे हीटअप होने स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा इंजन के अंदर कूलेंट होता है वो 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर जैसे ही पहुंचता है तो हमारा थर्मोस्टेट वाल्व यानी खुल जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व के अंदर एक वैक्स भरा होता है। वैक्स क्या होता है कि जैसे ही उसका कूलेंट 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचता है तो हमारा वैक्स वो पिघल जाता है। जैसे ही वो पिघल जाता है तो वो नीचे की ओर मूव कर जाता है, जिसके कारण हमारा जो हमारा कूलेंट ऊपर की ओर मूव करने लगता है यानी रेडिएटर में प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जिससे हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो वर्क करने लगता है, हमारे जो इंजन की कूलिंग रहती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक हमारा होता है रिजर्वायर। रिजर्वायर होता क्या है? रिजर्वायर में जो हमारा जो एक्स्ट्रा कूलेंट होता है वो उसमें चला जाता है, क्योंकि जो हमारा कूलेंट होता है जैसे ही वो हीट होता है तो गर्म होने के कारण वो एक्सपेंशन ही फैलने लगता है, तो उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और वो हमारा जो हमारा रेडिएटर होता है, रेडिएटर के ऊपर से हमारा ये रिजर्वायर में चला जाता है। रिजर्वायर हमारा रेडिएटर और पंप के बीच में इसको लाकर छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, कूलिंग के लिए एक तो वाटर का यूज़ करते हैं और एक करते हैं हम कूलेंट का। ठीक है दोस्तों, इनमें डिफरेंस क्या होता है? चलिए जान, जो हमारा पानी होता है ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा बॉयल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बॉयल होने के कारण हमें इसका वेपराइज होने का चांसेस ज़्यादा बने होते हैं
और ये हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा यानी जम जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको कहीं हील वाले क्षेत्र में लेके जाएं जहाँ पे हमारा बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर ये हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पानी का एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनको कोरोसिव यानी उनमें जंग लगा देता है, जिसके कारण हमारा जो इंजन की जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी और वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय यानी नष्ट। दोस्तों जो हमारा कूलेंट होता है, कूलेंट में हमारा एक तो ये हमारा 120 डिग्री टेम्परेचर पर जाकर बॉइल होता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा इसका जो जमने का पॉइंट होता है वो -10 डिग्री टेम्परेचर होता है। जो इसका जमने का पॉइंट होता है वो -10 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जहाँ पर हम हील या फिर जहाँ पर हमारी बर्फ पड़ती है वहाँ पर लेके जाएँ तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हमारा वहाँ पर भी कूलिंग सिस्टम अच्छे से वर्क करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो कूलिंग के पार्ट्स होते हैं बेसिकली उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी उनमें कोई जल वगैरह। इस तरीके से हमारा सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर इंजन की कूलिंग होती है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए आपका अपने चैनल विक्की टेक्निकल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।